बिहार के आरा में मछुआरे और मछली विक्रेता होंगे हाईटेक। मत्स्य विभाग के पास आया हाईटेक करने का योजना। ऑनलाइन आवेदन कर मछुआरे ले सकते हैं लाभ। भोजपुर जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों में मछली बिक्री करने वाले को मत्स्य विभाग की ओर से अनुदान पर विपणन किट उपलब्ध कराया जा रहा है। मछुआरों को विपणन किट देने का उद्देश्य उनके काम को बेहतर करने के साथ गंदगी से बचाना और स्वच्छ मछली बाजार रखना मुख्य उद्देश्य है। शहर की सड़कों के किनारे मछली बेचने वाले और ग्रामीण इलाकों में मछली पकड़ने और बिक्री करने वालों को सहूलियत होगी। पूरे राज्य में पहली बार यह योजना लागू की गई है। किट रहने पर मछली बिक्री के जगहों पर गंदगी नहीं फैलेगी और बेचने वालों के लिए सेफ्टी के कई सामान भी रहेंगे। इस किट में तारपोल सीट, तराजू, डी स्केलर, कत्ता व डस्टबिन रहेगा। इसकी अनुमानित लागत 25,000 रूपए है। वहीं ग्रामीण इलाके के विपणन किट में फेंका जाल, छतरी, तराजू व प्लास्टिक कैरेट सहित कई सामान रहेंगे। इसकी अनुमानित लागत 19,000 है। अनुमानित लागत और क्रय किए गए किट की सामग्री की न्यूनतम राशि का 70% विभाग की ओर से अनुदान दिया जाएगा। शेष 30% राशि मछली विक्रेताओं को स्वयं बैंक लोन से देनी होगी। बता दें कि मत्स्य प्रसार अधिकारी पूजा भारती ने बताया कि विपणन किट का योजना का लाभ जितने मछुआरे ले उतना बेहतर रहेगा। उन्होंने बताया कि भोजपुर जिले में मछुआरों के आबादी के हिसाब से फिलहाल आवेदन कम प्राप्त हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि अंतिम तिथि से पहले ज्यादा से ज्यादा मछुआरे ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करके इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बताते चलें कि ऑनलाइन आवेदन में मत्स्य विक्रय स्थल, दुकान के साथ अपना फोटोग्राफ आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में लाभुकों का मोबाइल नंबर तथा बैंक शाखा का नाम के साथ बैंक खाता संख्या, IFSC कोड देना होगा। साथ ही आधार कार्ड नंबर या राशन कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र या जमीन का रसीद, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आदि की प्रति संकलन किया जाना अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लाभुकों को आवेदन प्राप्त के साथ जाति प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा। 31 अगस्त 2023 तक अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की है। ये योजना राज्य सरकार की योजना है और इस योजना को वैसे मछुआरे या मत्स्य विपणन में इन्वॉल्व लोगों के लिए है जो जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जो अनहाइजेनिक तरीके से रोड पे मछली बेचते हैं। तो ऐसे असंगठित मत्स्य विक्रेताओं के लिए एक किट उपलब्ध कराई जाएगी। तो शहरी क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए होगा 21,000 का किट है, जिसपे 70% का अनुदान रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में विक्रय कर रहे लोगों के लिए 19,000 की किट है, जिसपे 70% अनुदान होगा। और इसका आवेदन प्राप्त किया जाता है freesales.bihar.gov.in पे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करके लाभ दिया जा सकता है। कब तक इसका डेट है? 31 जुलाई तक आवेदन की डेट है। भोजपुर जिले से लगभग 95 मछुआरों ने आवेदन किया है मत्स्य विपणन किट के लिए। जो मत्स्य विक्रेता है उनके लिए है ये योजना। विक्रय कर रहे लोगों का के लिए, जो पहले से विक्रय कर रहे हैं या विक्रय करना चाहते हैं उनके लिए। कुछ लक्ष्य भी रखा गया है कितने लोगों को दिया जाएगा? हाँ, यहाँ हमारे यहाँ भोजपुर जिले में 133 लोगों के लिए है। इसमें और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए अलग से लक्ष्य है। सामान्य लोगों के लिए 133 लोगों को दिया जाएगा कि तुम्हारी और ग्रामीण दोनों मिला सकते हैं। हाँ।